बीजेपी सांसद मेनका गांधी द्वारा वेटनरी डॉक्टरों पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में देश भर में वेटनरी चिकित्सक और छात्र विरोध कर रहे हैं। आज पटना में भी वेटनरी के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और मेनका गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मेनका गांधी द्वारा जो हमारे वेटनेरियन भाइयों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, उस संदर्भ में हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से। और हम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कोर्ट केस भी किया जाए, क्योंकि उन्होंने जितने भी अपमानजनक बातें की हैं वो एकदम से असंसदीय हैं। और हमारे जितने भी वेटनेरियन भाई हैं हमेशा जी तोड़ मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन उनको हमेशा एक अब्यूज लैंग्वेज में 3-4 बार ये दफ़ा हो चुका है। वेटनरी कॉलेज जबलपुर में और रीवा में और इसके बाद लखनऊ में हर जगह वो टॉर्चर करते हैं। और इवन दो फिल्म मेकर्स भी हमारे साथ आए हैं आज, और हम लोगों ने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया था जिसमें अभी तक 1.5 लाख ट्रेंड हो चुका है और फर्स्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है कल से। और हम इस प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ाएंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं और या प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अपने जो मैं डॉक्टर दुष्यंत हूँ यहाँ पे, ये मेनका गांधी ने जो हमारे एक सर्जन को असंसदीय भाषा की प्रयोग किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेडिकल के डॉक्टर जो हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, वैसे ही हमारे वेटनरी डॉक्टर्स ने पिछले भी इस वैश्विक महामारी में खड़े रहे हैं और इस बार भी खड़े रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक हमारे 150 डॉक्टर्स एक्सपायर किए हैं और 1000 वेट्स एक्सपायर किए हैं, 12 वेट्स, लेकिन उनके लिए कोई हमारे यहाँ हमारे सरकार ने या किसी ने नहीं सोचा कि इनके बारे में भी सोचा जाए और इन्हें एक सद्भावना दी जाए। ठीक है, मैं सैल्यूट करती हूँ मेडिकल डॉक्टर्स को जिसने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, बट हमारे वेट्स में भी नहीं काम किया। और श्रीमती मेनका गांधी को भी एक बार सोचना चाहिए कि हमारे जो वेट्स हैं वो बेजुबान जानवरों की इलाज करते हैं, जो अपनी दर्द आँखों से बयां करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रीटमेंट है वो कितना जटिल है। इसलिए मैं श्रीमती मेनका गांधी से ये चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है उनके लिए वो माफ़ी मांगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।